तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं उस एक्ट्रेस की जो सुंदरता में मधुबाला को भी टक्कर देती थी, लेकिन इतना धन दौलत और शोहरत कमाने और अपने जीवन में दो दो शादियां करने के बावजूद वो जीवन की संध्या बेला में बिल्कुल तन्हा ही रह गई और दाने दाने को मोहताज हो गई। कोई मदद को पास भी नहीं आया। अकेलेपन में जब उनकी मौत हुई तो किसी को पता तक नहीं चला। 3 दिन तक उनके घर में उनका शव सड़ता रहा। तो चलिए इस वीडियो में आपको उस एक्ट्रेस की पूरी कहानी बताती हूँ। दोस्तों, साल 1940 में फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी अभिनेत्री ने कदम रखा जिसने बॉलीवुड में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट तो नाम कमाया ही और साथ ही साथ लीड एक्ट्रेस बनकर उस अभिनेत्री ने अपनी खूबसूरती से लाखों लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 40 से 60 के दशक तक बॉलीवुड पर राज करने वाली सुपरहिट एक्ट्रेस नलिनी जयवंत की, जिन्होंने दमदार एक्टिंग से हर किसी को हैरान कर दिया था और अपने हुस्न से लाखों करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। 18 फरवरी 1926 में मुंबई में जन्मी नलिनी जयवंत भी फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती थी। वो शोभना समर्थ की अपनी कजन थी। शोभना समर्थ जो काजोल और रानी मुखर्जी की नानी थी और नूतन और तनुजा की माँ थी। नलिनी जयवंत ने फिल्मी दुनिया में महज 14 साल की उम्र में कदम रखा। वो पहली बार साल 1941 में महबूब खान की फिल्म बहन में बतौर बाल कलाकार के रूप में काम करती हुई नजर आई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। नलिनी ने बड़ी होकर जब मुख्य अदाकारा के तौर पर फिल्मों में काम करना शुरू किया तो उन्होंने तहलका मचा दिया। पूरा जमाना उनके हुस्न का दीवाना हो गया। नलिनी की पहली सुपरहिट फिल्म थी अनोखा प्यार, जो साल 1945 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सफलता के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद तो वो अशोक कुमार, दिलीप कुमार और नरगिस जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम करने लगी। कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद नलिनी जयवंत के पास प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई थी। हर कोई उन्हें ही अपनी फिल्म में लेना चाहता था। नलिनी ने फिल्म समाधि और संग्राम जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय करके बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और वो टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गई थी। बाद में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया जिसमें जलपरी, सलोनी, काफिला, नाज, लकीरें, नौबहार, तूफान में प्यार कहां, शेरू और मिस्टर एक्स प्रमुख हैं। नलिनी सुंदरता के मामले में मधुबाला को टक्कर देती थीं। साल 1952 यानी 1952 में मशहूर मैगजीन फिल्म फेयर ने उस समय की चोटी की अभिनेत्रियों की सुंदरता को लेकर सर्वेक्षण किया था और इस सर्वेक्षण में नलिनी ने ब्यूटी क्वीन मानी जाने वाली मधुबाला को सुंदरता में मात दी और पहले नंबर पर अपना कब्जा जमाया। नलिनी जयवंत अपनी शानदार अदाकारी और सुंदरता के जरिए करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बन गई। उनके दीवानों में बड़े बड़े स्टार शामिल थे। ऐसा कहा जाता था कि अभिनेता दादा मुनि उर्फ अशोक कुमार के साथ भी नलिनी जयवंत के गहरे रिश्ते थे।
नलिनी ने कई सुपरहिट फिल्मों में अशोक कुमार के साथ काम किया, जिसके कारण दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। अशोक कुमार और नलिनी के बीच साल 1953 यानी 1953 में रिलीज हुई फिल्म सबाधी की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के प्रति प्यार पनपा। इस फिल्म में दोनों पहली बार एक साथ नजर आए थे। इसके बाद दोनों ने फिल्म संग्राम भी एक साथ किया। दोनों के बीच का ये प्यार 10 सालों तक चला था। अभी शाम आएगी निकलेंगे तारे मगर तुम ना होगे। लेकिन कहा जाता है कि नलिनी जयवंत इस रिश्ते से संतुष्ट नहीं थी, इसके कारण वो दादा मुनि से धीरे धीरे अलग हो गईं। अपनी जिंदगी में नलिनी जयवंत ने दो शादियां की थीं। उनकी पहली शादी साल 1945 में फिल्म निर्देशक वीरेंद्र देसाई से हुई थी, लेकिन दोनों का रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल पाया और फिर आपसी तनाव की वजह से नलिनी और वीरेंद्र ने साल 1948 में तलाक ले लिया था। इसके बाद नलिनी ने साल 1960 में दूसरी शादी अभिनेता प्रभु दयाल से रचाई थी, लेकिन उनके दूसरे पति की मौत 2001 में हो गई थी। बॉलीवुड में धमाल मचाने के बाद नलिनी जयवंत ने अचानक ही साल 1960 में फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक्ट्रेस ने अपना पूरा ध्यान अपनी पर्सनल लाइफ पर केंद्रित कर दिया था, लेकिन नलिनी ने 18 साल बाद फिर से बॉलीवुड में कदम रखा। लेकिन इस बार माहौल काफी अलग था। नए चेहरों के बीच उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने अचानक एक बार फिर बॉलीवुड को छोड़ दिया था। वो आखिरी बार साल 1983 यानी 1983 में फिल्म नास्तिक में नजर आई थी, जिसमें उन्होंने अभिनेता अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया था। इसके बाद वो कभी भी फिल्मी दुनिया में लौट कर वापस नहीं आई। 1983 में बॉलीवुड को छोड़ने के बाद नलिनी ने बॉलीवुड से बिल्कुल अलग होकर पारिवारिक जिंदगी जीने का सिलसिला शुरू किया, लेकिन 2001 में अपने पति की मौत के बाद उनके जीवन में बहुत बुरा दौर शुरू हुआ। फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों ने तो पहले ही दूरी बना ली थी, लेकिन बाद में उनके करीबी लोग और यहाँ तक कि उनके परिवार वाले भी उनसे दूर हो गए और वो बिल्कुल अकेली हो गई। भयानक तन्हाई में उनका निधन 20 दिसंबर 2010 में हो गया था। वो कितनी अकेली हो गई थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उनकी मौत हुई तब किसी को नहीं पता चला था। उनकी लाश 3 दिन तक मुंबई के चेंबूर स्थित यूनियन पार्क स्थित घर में पड़ी रही थी। काफी हद तक उनकी मौत भी रहस्यमय तरीके से हुई। उनकी मौत का पता आसपास के लोगों को तब चला जब एक शख्स उनके घर आया और नलिनी की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रखकर ले गया। कोई नहीं जानता कि वो व्यक्ति कौन था। किसी ने इस मामले में पुलिस में कोई शिकायत भी दर्ज नहीं करवाई। नलिनी के एक पड़ोसी ने मीडिया से बातचीत में कहा था, एक आदमी जो उनका दूर का रिश्तेदार लगता था आया और नलिनी की लाश को एम्बुलेंस में लेकर चला गया। पड़ोसियों के मुताबिक जब उनके पति की मौत हुई तभी से उन्होंने खुद को लोगों से दूर कर दिया था। वो लोगों से बिल्कुल नहीं मिलती थी। उनके रिश्तेदार भी लंबे समय से उनके संपर्क में नहीं थे। उनकी मौत के बाद मीडिया में खबरें छपी और बॉलीवुड के लोगों ने अखबारों में शोक जताए, लेकिन क्या फायदा उस शोक का जब जिंदा रहने पर उस शख्स की परवाह ही नहीं किसी ने की। तो दोस्तों, जिंदगी की कड़वी सच्चाई और ग्लैमर की चकाचौंध भरी दुनिया के अंधेरे के बारे में आपको नलिनी जयवंत की कहानी से कुछ तो अंदाजा हो ही गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप नलिनी जयवंत के बारे में कुछ और जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में कोई नई कहानी नई जानकारी लेकर फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। Okay.
जादू का दिल में असर है।